यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही संसार का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कर्म है। संपूर्ण भारतीय वेद वेदांग यज्ञ से परिपूर्ण है। भारतीय संस्कृति जनजीवन यज्ञ प्रधान है। जन्म से पहले ही यज्ञ आरंभ हो जाता है और जन्म मृत्यु के बीच में भी यज्ञ 16 संस्कार हमारे यहाँ बताए गए हैं। उन सब में यज्ञ ही विशिष्ट रूप से अपना विशेष स्थान रखता है। यज्ञ के द्वारा क्या कुछ नहीं संभव हो सकता। हमारे प्राचीन याज्ञिक वैज्ञानिक मेधावी ऋषि मुनियों ने यज्ञ को बहुत गहराई से समझा और इसलिए हमारे सर्वसाधारण के जनजीवन को यज्ञ प्रधान बना दिया। बिना यज्ञ के कोई कार्य आरंभ ही नहीं होता। हमारे देश में नहीं, भारत से इतर देशों में भी, पाश्चात्य देशों में भी यज्ञ की परिपाटी किसी ना किसी रूप में कैंडल जलाकर या कुछ और धूपबत्ती जलाकर पारसी लोग अग्नि के उपासक हैं। दूसरे लोग भी, तमाम ईसाई जगत कैंडल जलाकर यज्ञ की वह बात पूरी करता है। वह हर बात में कैंडल एक बत्ती जलाई जाती है। इस प्रकार सारे संसार में कहीं ना कहीं हर धर्म में अग्नि का पूजन का, अग्नि के आह्वान का, अग्नि की उपस्थिति दृष्टिगोचर होते ही है। इससे मालूम होता है किसी समय समस्त विश्व में, ब्रह्मांड में यज्ञ प्रचलित था। कालांतर में विभिन्न मत मतांतरों के व्यक्ति उत्पन्न हुए और उन्होंने यज्ञ को ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान देखकर उसको सूक्ष्म रूप केवल मोमबत्ती जलाकर ही पूरा कर दिया। पर रहा वो अग्नि के साथ ही जुड़ा हुआ। मानव मात्र अग्नि के, अग्नि प्रधान है, अग्नि सबसे बड़ा तत्व है और अग्नि पुराण में जबरदस्त बातें अग्नि के संबंध में, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक बातें विश्लेषणात्मक ढंग से लिखी गई हैं। हमारे ऋषि मुनि तो यज्ञ के द्वारा यज्ञ कुंड से ऐसी ऐसी अनहोनी बात उपस्थित कर देते थे जो अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। साधारण जनसाधारण उसे विश्वास नहीं करता, पर ऐसा हुआ है। इतिहास साक्षी है, इतिहास कभी झूठा नहीं होता। आजकल के कुछ लोगों ने, पाश्चात्य लोगों ने विशेष रूप से हमारे इतिहास को, भारतीय इतिहास को मैथोलॉजी बता दिया, कपोल कल्पित बता दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना ज्ञानवान है, हमारी संस्कृति इतनी ज्ञान से परिपूर्ण समृद्ध है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और आज
उसी का नतीजा है पाश्चात्य देशों ने हमारे योग यज्ञ मंत्र संवाद पेषण विद्या आदि पर विशेष रूप से अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं। कैलिफोर्निया में एक बहुत बड़े भूभाग पर एक विश्वविद्यालय बनाया गया है, वहां पर 5,000 आदमी नित्य यज्ञ कर रहे हैं, प्रातःकाल सायंकाल अवश्य करते हैं और यज्ञ पर वह अनुसंधान कर रहे हैं। वहाँ जबरदस्त तूफान आते हैं, उस विश्वविद्यालय के अंतर वाले विशालकाय भूभाग पर उन तूफानों का यज्ञ के कारण बहुत कम असर प्रभाव देखा गया है। और भी कितनी बातें उन्होंने लिखी हैं समाचार पत्रों में, आज से कई साल पहले मैंने देखा, ऐसा लिखा कि वहां के वृक्ष हर समय फल देते रहते हैं। और भी कितनी बातें, वहां का जलवायु परिवर्तित हो गया है और वहां कितनी ही बातें ऐसी हो गई हैं जो अनहोनी अलौकिक बातें हैं। इससे उन्हें दिखाई दे रहा है कि यज्ञ के द्वारा ही यह प्रभाव है और उससे लगी हुई विशाल भूभाग पर बड़ी जबरदस्त झंझावात तूफान आते रहते हैं, सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। वह भाग जो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल का है स्थान है, बहुत बड़ा भूभाग है, उसमें उतनी गड़बड़ उस तूफान झंझावात से नहीं होती, अंदर आते हैं पर वहां बहुत कम से कम उसका प्रभाव होता है।